गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है forabet.com। इस वेबसाइट में आप बैट कर सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर और काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो काफी गरीब हुआ करता था और उसने forabet.com पे अर्निंग शुरू की और आज के टाइम पे उसके पास कार भी आ गई है और उसने घर भी ले लिया और काफी पैसे कमा रहा है। $300 to $400 पर डे की उसकी अर्निंग हो रही है। तो अगर आप भी ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहते हैं तो forabet.com पे विजिट करें, लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में और मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी काफी अच्छी अभी अर्निंग्स हो रही है। सो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस, दिस इज रेहान साहिल एंड आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अगेन मौलाना तारिक जमील साहब के वीडियो पर। इस वीडियो का टाइटल है व्हेन मौलाना तारिक जमील मीट्स वीना मलिक। वीना मलिक वही है जो बिग बॉस में भी आई थी और कुछ इंडियन मूवीज में आइटम नंबर्स भी करे थे उन्होंने। चेंज लाइफस्टाइल। लेकिन मैं आपको एक वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये कोई इस्लामिक हदीस वाली बात इन्होंने इसमें नहीं की है मौलाना साहब ने। इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो वीना मलिक से मिले। हाँ, तो क्या हुआ वाले ही वीडियो हम ज्यादातर अपलोड करते हैं। क्या हुआ उनके साथ, जब कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा वीना मलिक से मिलने का, वो इन्होंने शेयर किया है। और अभी हमें एक ईमेल भी आया था, आपने वीबी रिएक्शन का वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया कि एक फेक अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से हमें सभी रिएक्शन चैनल्स को मेल आया कि आप तारिक जमील के वीडियोस पर रिएक्शन ना करें, लेकिन आप ऐसे वीडियोस पर कर सकते हैं लाइक तारिक जमील मीट आमिर खान, तारिक जमील मीट वीना मलिक, तो इस टाइप की वीडियोस पर कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। लेकिन वो अकाउंट फेक ही था और तारिक जमील का अगर कोई रियल अकाउंट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ यार, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। हियर वी गो। अल्लाह ने ताकत रखी है। मैं वापस आया, जनवरी में मेरा सफर था मोरितानिया, मराकेश, त्यूनस, जबूती और यमन। तो मैं ट्यूनस से वापस आया, दुबई पहुंचा। दुबई आ रहे थे जा रहे थे, फ्लाइट्स लेने के लिए ठहरना पड़ रहा था। तो कभी दो दिन, कभी एक दिन, कभी ढाई दिन, तो हम हर दफा वीजा ले लेते थे। तो मैं ट्यूनस से वापस आया तो वहां एक साथी ने कहा जी यहां वीना मलिक ने शादी की। वीना मलिक ने औरयानी फहाशी की वो तारीख लिखी है कि बर्रे सगीर में किसी लड़की ने ऐसी तारीख नहीं लिखी। अच्छा, कि बिल्कुल नंगी होकर स्क्रीन पे आ गए। मैंने कहा यार मुझे मिलाओ। आप मिलेंगे? मैंने कहा तबलीग वालों को काम ही मिलना है। हमने तो अपना सौदा बेचना है भाई। सौदा बेचना। तो उसको पैगाम भेजो। उसने माजरत कर ली कि मैं नहीं मिल सकती। मैंने कहा था उसको, उसके खामिद को ले आओ मेरे पास लाओ। उन्होंने मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आ जाऊं, मुझे इजाजत है मैं आ जाऊं। कहा वो आना चाहते हैं तो आ जाए। वीना मलिक मान गई, चला गया मिलने के लिए जमात के एक साथी को साथ लेकर। मैंने कहा बेटी आपको शादी मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको अच्छी मां बनाए, अच्छी बीवी बनाए, मुझे बहुत खुशी हुई, आपका घर आबाद हो गया। मैं अखबारों में जब भी पढ़ता था या लोगों से आपकी बुराई सुनता था, मैं आपके लिए दुआ किया करता था और मैं कोशिश करता था कि मेरी आपकी कहीं मुलाकात हो जाए। आज आपकी मेरी मुलाकात हो गई, अल्लाह आपको मुबारक करे। ये मेरे अल्फाज थे, शायद कुछ दो चार ऊपर नीचे। तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। हम उठ के आ गए, फिर मैं चला गया जबूती। जबूती से मैं वापस आया तो दोनों मियां बीवी खुद मिलने आ गए जहां हमारी जमात ठहरी हुई थी। कहने के मौलाना आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा बेटा मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, कोई नसीहत, कोई जायज ना जायज, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम कहा नहीं, आपने मुझे बेटी कहा। बेटी, आप जैसे लोग मेरे जैसी को बेटी कह सकते? बहुत पावरफुल वर्ड है बेटी। और मुझे तो उस वक्त नहीं पता चला कि क्या असर हो रहा है, लेकिन मैंने जब उसको बेटी कहा तो ऐसे बैठे ऐसे हुई। पहले मैंने कहा शायद कोई वैसी मूवमेंट है, फिर थोड़े बहुत उसकी आंखों में आंसू आ गए, बातें करते करते आंसू आ गए। फिर दूसरी मुलाकात में उसने मुझे कहा मेरे जैसियों को बेटी कौन कहता, माँ बाप ही बेटी कहना छोड़ देते हैं। आपने मुझे बेटी कहा, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अपने खामिंद से कहा था कि मैं फिल्में नहीं छोड़ूंगी, शादी में कर रही हूं, लेकिन एक मुलाकात के बाद आज मैं आपसे वादा करती हूं ये दुपट्टा मेरे सर पर है, ये मौत पे उतरेगा। क्या बात है, ये मौत तक मेरे सर पे रहेगा, अब ये नहीं उतर सकता।
मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो वो लोग पीछे, आप वीना मलिक से मिले, आप वीना मलिक से मिले, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की। वो एक टीवी वालों ने मुझे टेलीफोन पे ले लिया, आप इससे मिले। यार मेरे नबी ने गुनाह से नफरत सिखाई है, गुनाहगार से नहीं। हमें गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से नहीं। हमें जुल्म से नफरत है, जालिम से नहीं। हमें शराब से नफरत है, शराबी से नहीं। हमें फहाशी से नफरत है, फहाशी करने वाले से नहीं। हम तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक उसको सही सही रास्ता नसीब फरमाते। अच्छा इनका बताएं अगर जो क्या हो गई, ये क्या थी जिनमें मुफ्ती साहब शामिल हैं, मुफ्ती नईम साहब, जुनेद भाई शामिल हैं, जुनेद जमशेद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब शामिल हैं। जाहिरी बात है जब ऐसी शख्सियात मेरी रहनुमाई करेंगी और मेरे सामने होंगी तो इस हकीकी तब्दीली में इनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रहनुमाई है और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। देखिये मेरी जिंदगी में अचानक एक ऐसा इनकलाब आया जैसे जिसको कहते हैं कि दुनिया अपसाइड डाउन हो गई, बिल्कुल दुनिया ही बदल गई मेरी। उसमें मैं आपको बताती चलूं कि मुझे जो मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जिंदगी में जो अचानक तब्दीली आई इस पर आपको मुस्तकीम जो रहा है उस पर रहना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और वाकई अभी तक 3 साल हो गए हैं और इस रास्ते पर चलते चलते बहुत दफा शैतान आपको बहकाता है, आप लड़खड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे आसपास मुफ्ती साहब जैसे, मौलाना तारिक जमील साहब जैसे, जुनेद भाई जैसे लोग मौजूद थे जिन्होंने हर राह पर जब भी मैं थोड़ा सा लड़खड़ाती थी, थोड़ा सा परेशान होती थी मेरी रहनुमाई की। और मैं चाहूंगी कि मैं इन हस्तियों का दामन कभी ना हाथ से जाने दूं ताकि मैं राह मुस्तकीम पर हमेशा चलती रहूं। और इसमें आप लोगों की, खासतौर पर मीडिया की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आम लोगों की दुआएं हैं वो मुझे चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी आप लोगों से दिल बर्दाश्ता हूं, और अगर हूं भी तो मैं चाहूंगी कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा मेरी रहनुमाई करे और ये नेक हस्ती हमेशा मेरी रहनुमाई करे। बहुत ही सही वीडियो बनाया इन्होंने। जब बिग बॉस में इन्हें देखा था तो बिग बॉस में जब मैं इन्हें देखता था ना, बिग बॉस में बाकायदा इन्हें दिखाते थे फजर की नमाज पढ़ते हुए, लेकिन साथ में जो इनकी अश्मित पटेल के साथ उसमें रिलेशनशिप चल रहा था वो बड़ा ही बहुत ही गंदा लगता था। मतलब फैमिली के साथ नहीं देख सकते थे वो, कई तो लगता था कि यार बहुत ज्यादा ये हो चुका है। हाँ, तो समझ में नहीं आता था इनका क्या असल साइड है क्या। वो बिग बॉस में बड़ा कंफ्यूजन था कि एक तरफ इनको नमाज पढ़ते हुए बताते हैं और दूसरी तरफ ये अश्मित पटेल के साथ इनका पता नहीं क्या सीन चल रहा है। हाँ, वो साथ में कभी वो तेल मालिश चल रही है, जुए निकाल रही है, वो देखा था। हाँ, तो वो सब देखकर हमें यार, उसके बाद में बिग बॉस से निकलने के बाद में जो आइटम नंबर्स किए वो भी बहुत ही ज्यादा वो बोल्ड थे, बोल्ड किस्म के थे। और हमारे घर वाले भी यही बोलते थे उन्हें देखकर कि ये पाकिस्तान से आई। हाँ, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं पाकिस्तान मतलब वहाँ के, अगर कोई लड़की यहाँ आएगी तो वो बिल्कुल हाँ, में वो चीज है कि वो बिल्कुल हाँ, इस्लामी लिबास पहनेगी या इस्लामी, पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री और एक्ट्रेस वहाँ की जो रहती है वो सही रहती है, बहुत सही रहती है। मैंने उनकी जिम की ड्रेस, जिम में जो ड्रेसेस पहनते हैं ना, टी शर्ट यहाँ तक पहनती और यहाँ पर तो चलो छोड़ो वो बात नहीं कर रहे हम, लेकिन इनकी जो लाइफ चेंज हुई इनसे मिलने के बाद, सिर्फ एक वर्ड निकला था इनके मुँह से, बेटी, और उस एक वर्ड की वजह से इनकी जो लाइफ चेंज हुई। मुझे पता ही नहीं था कि उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, मुझे भी, मैं तो इनको भूल गया था कि यार वीना मलिक सारे लोग गायब सी हो गए, भूल इसीलिए गए थे क्योंकि वो अब इस तरह की न्यूज़ में आई नहीं रही ना। लास्ट टाइम जो न्यूज़ में आई थी उस न्यूज़ के बाद वो न्यूज़ में ही नहीं आई। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी अब सही हो गई हैं, जैसे इसमें देख के बताया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। और उन्होंने मौलाना साहब को प्रॉमिस भी किया है कि जब तक मैं मर नहीं जाऊँगी दुपट्टा नहीं निकलेगा सिर से। बहुत अच्छी बात है कि किसी की लाइफ चेंज हो गई, कोई गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया, अच्छी बात है। और बहुत सही बातें बताई इन्होंने, मतलब बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है। इनसे बड़ा एग्जांपल तो जुनेद जमशेद साहब है, तो बहुत लोगों की लाइफ चेंज की। तो बहुत अच्छा लगा हमें वीडियो, बहुत ही मोटिवेशनल था। शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, मैं तो यही बोलूँगा कि शेयर पक्का बनता है इस वीडियो को, और ऐसे लोगों को तो पक्का दिखाओ जो भटक चुके हैं। हाँ, भटक चुके हैं ऐसे लोगों को भी बताना, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं ना, जो चलो
एक वीडियोस वगैरह ठीक है, बाकी जो ओवर हो रहा है, जो मॉडलिंग के नाम से पता नहीं जो क्या क्या कर रहे हैं, बस मत जाग सर ऐसे लोगों को शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।